गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर जो है टाइम टू टाइम ग्रुप में सेंड किया जा रहा है, एंड कुछ इंफॉर्मेशन थी न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर। बिकॉज तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल और स्पीकिंग स्किल्स सही हो जाए, उसको इम्प्रूव करने के लिए एज वेल एज वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू ऑल स्टूडेंट्स 7th to 10th क्लास कि आप लोगों को कुछ हेडलाइंस बनानी, 5 हेडलाइंस 5 हेडलाइंस आपको ऐसे इंफॉर्मेटिवली हेडलाइंस आपको बनानी है जिसमें फुल इंफॉर्मेशन देनी है आपको। हेडलाइंस इज लाइक अ समराइज हेडलाइन, नॉट कि आपने उसमें से न्यूज़पेपर में से आपने कॉपी पेस्ट कर दिया हेडलाइंस। सो यू हैव टू मेक अ सेपरेट कॉपी और नोटबुक, छोटी नोटबुक लगा सकते हो इसके लिए। और साथ ही साथ अगर हम न्यूज़पेपर में देखें तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, फैक्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं, फैक्ट्स आते हैं साइंस के, और उसको भी पढ़िए। जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ, उसमें ये हमारे पास है एंड ये मैंने आपको आज का भेजा है जो न्यूज़पेपर, सो यू कैन सी हियर, ये देखिए। सो यहाँ पे जो हम देखते हैं, सो ये जो तो पॉलिटिक्स वाली जो न्यूज़ है वो आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, बट एजुकेशनल न्यूज़ और एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको उस पर आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, उसको आप पढ़िए। उसमें जो कुछ वर्ड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको होता है आप गूगल कीजिए और आप फिर लास्ट में मेरे से पूछ भी सकते हो, है ना। तो इसमें जो मैं दिखाना चाह रहा था ये देखिए, बिजनेस के बाद ये जो स्पोर्ट्स का है ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये जो टेक्स्ट और कंटेक्स्ट है, अब इसमें देखो जैसे जो 9th 10th में बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, ये साइंटिफिक हो गया, ये यहाँ पे कई सारे फैक्ट्स आते हैं आपके, ठीक है। एंड ये देखिए, सो इनके ऊपर, और ये देखिए ये कुछ हिस्ट्री और उसके ऊपर पास्ट के ऊपर, ये जवाहरलाल नेहरू जी है। तो ये इसके जो लास्ट के कुछ पेज हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसको आपको देखना है और इसमें से वर्ड्स को देखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है जो है डेली क्यूज़, ये जो डेली क्यूजेस वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं ये लास्ट वाले पेज पे आते हैं, इनके जो आंसर्स है वो नेक्स्ट डे का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रीवियस डे के जो क्यूज़ के आंसर्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं, तो इस तरीके से मतलब नेक्स्ट डे में आपका आता है ये, तो इसको करना है। एंड साथ ही साथ कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे संडे हो गया, संडे और सैटरडे, इस ये वाला न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपको एक साइंस का फैक्ट का पूरा पेज मिलेगा, एंड मंडे को एक आता है एजुकेशन का, उसमें पूरा पेज होता है। सो कंक्लूजन क्या है कि भाई सिंपल सी 5 लाइनें बनाओगे आप लोग, हैं 5 लाइनें आपको लिखनी है, मतलब हर लाइन आप जो हेडलाइन है, हम हेडलाइन कह सकते हैं, समराइज हेडलाइंस कह सकते हैं, पैराग्राफ नहीं लिखना है, 3-4 लाइनों का हर पॉइंट होना चाहिए, मतलब 5 पॉइंट्स 5 लाइन्स जो लिखनी है आपको, उसमें हर एक जो लाइन है वो 3-3 लाइन की मैक्सिमम हो सकती है, कि जिसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन दे दोगे कि अच्छा ये यहाँ पे हुआ तो कैसे हुआ, है ना, या फिर जो भी न्यूज़ है और जो क्रिमिनल्स क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वैसे तो इतना नहीं आता है इस पर, बाकी आपका जो जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको लिखिए, ठीक है। और ये आपको रोज करना है, मुझे डेली दिखाना है, मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ। ये वीडियो इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अब हर क्लास के बच्चों को बताने के लिए इतना फिर टाइम नहीं होता है ड्यूरिंग द क्लासेस, सो आप लोग इस वीडियो को देख के समझिए कि आपको कैसे न्यूज़पेपर के ऊपर काम करना है। एंड और जो क्यूज और क्वेश्चंस की जो मैंने बात करी, फैक्ट्स की बात करी, इन चीज़ों को आपको लेके चलना है ना, धीरे धीरे न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी एंड एकेडमिक में जो है आगे चल के भी ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच एंड होप फॉर द बेस्ट।